गाइज, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी हिंद महासागर में है? जी हाँ गाइस, और ये सोना एक या दो टन नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन टन है, जिसकी कीमत करीबन 1,000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना अब तक पानी में क्यों है? दरअसल ये जो सोना है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में है, इसलिए इसे समंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि साल 1980 में कुछ विदेशी कंपनियों ने इसे निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मतलब कि वो इस सोने को निकालने का तरीका जान चुके थे, लेकिन लालच के चलते वो इस सोने को लेकर भाग गए, जिसकी वजह से आज तक उस सोने को पानी से अलग कैसे करना है इसका तरीका पता नहीं चल पाया है। गाइस, आज भी करोड़ों टन सोना हिंद महासागर में तैर रहा है, लेकिन इसे वहां से निकालना आज भी राज बना हुआ है। वैसे गाइस, आपका इस सोने से भरे महासागर के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।